बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स इंस्टीट्यूट पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, जो कितने आज तक गुजरे हैं। ये तकरीबन 22वां नंबर जो है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है, और इससे पहले जो गुजरे हैं इसकी तफसील के बारे में आज मैं आप सबको बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे ये लियाकत अली खान से थे, और ये 14 अगस्त 1947 को बने थे, और 16 अक्टूबर 1951 को ये रिटायर हो गए थे, और 4 ईयर 2 मंथ्स 2 डेज इसकी टोटल ड्यूरेशन थी, और ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे है सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब थे, और ये 17 अक्टूबर 1951 को बने थे, और 17 अप्रैल 1953 को ये रिटायर हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी ये 1 ईयर 6 मंथ थी, और ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड थर्ड नंबर पे है मोहम्मद अली बोगड़ा साहब थे, और ये 17 अप्रैल 1953 को बने थे, और 12 अगस्त 1955 को ये रिटायर हो गए थे, और 2 ईयर 3 मंथ 26 डेज इसकी टोटल ड्यूरेशन थी, और ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो थे चौथे नंबर पे चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, और ये 12 अगस्त 1955 को बने थे, और 12 सितंबर 1956 को रिटायर हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 1 ईयर 1 मंथ थी, और ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो थे फिफ्थ नंबर पर ये हुसैन शहीद शेरवंदी सुहरावंदी वर्दी साहब थे, ये 12 सितंबर 1956 को बने थे, और 17 अक्टूबर 1957 को रिटायर हो गए थे, और ये इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 1 ईयर 1 मंथ 5 डेज थी, और ये अवामी लीग की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है सिक्स नंबर पे इब्राहिम इस्माइल चौधरी गर्ग साहब थे, और ये 17 अक्टूबर 1957 को बने थे, और 16 दिसंबर 1957 को रिटायर हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन थी 1 मंथ 29 डेज थी, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिर ये सातवें नंबर पे सर फिरोज़ खान नून साहब थे, ये 16 दिसंबर 1957 को बने थे, 7 अक्टूबर 1958 को ख़त्म हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 9 मंथ्स 21 डेज थी, और ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से थे। इसके बाद आठवें नंबर पे जो है फ्रेंड नूरुल अमीन साहब थे, और ये 7 दिसंबर 1971 ईस्वी को बने थे, और 20 दिसंबर 1971 ईस्वी को ख़त्म हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 13 डेज थी, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड 9 नंबर पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और ये 14 अगस्त 1973 को बने थे, और 5 जुलाई 1977 को ये ख़त्म हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 3 ईयर 10 मंथ्स 21 डेज थी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स 10वें नंबर पे हैं मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, ये 24 मार्च 1985 को बने थे, और 29 मई 1988 को ख़त्म हो गए थे, और ये इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 3 ईयर 2 मंथ 5 डेज थी, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंट की तरफ से थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी 11वें नंबर पे, और ये 2 दिसंबर 1988 को ख़त्म हो गई थी, और 6 अगस्त 1990 को 2 दिसंबर 1988 को बन गई थी प्राइम मिनिस्टर, और 6 अगस्त 1990 को ये ख़त्म हो गई थी, और इसकी टोटल ड्यूरेशन थी 1 ईयर 8 मंथ 4 डेज थी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड 12वें नंबर पे हैं नवाज शरीफ साहब थे, और ये 6 नवंबर 1990 को बने थे, और 18 जुलाई 1973 को ख़त्म हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 2 ईयर 7 मंथ्स 4 डेज थी, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड 13वें नंबर पे जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और ये 19 अक्टूबर 1993 को रिटायर्ड बन गई थी, और 5 नवंबर 1996 को रिटायर्ड हो गई थी, और 3 ईयर 17 डेज इसके टोटल ड्यूरेशन थी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड 14वें नंबर पे नवाज शरीफ साहब थे, और ये 17 फरवरी 1997 को बने थे, और 12 अक्टूबर 1999 को ख़त्म हो गए थे, और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 2 ईयर 7 मंथ्स 25 डेज थी, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड 15वें नंबर पे मीर ज़फरुल्लाह खान जमाली साहब थे, और ये 23 नवंबर 2002 को बन गए थे, और 26 जून 2000
चार को रिटायर हो गए थे और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 1 year 7 months 3 days थी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग टीम की तरफ से थे, कायदे आजम की तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 16वें नंबर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब बने थे और ये 30 जून 2004 को बने थे और 26 अगस्त 2004 को ख़त्म हो गए थे और उसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 1 month 7 27 days थी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑफ की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है 17 पे शौकत अजीज़ साहब थे और ये 28 अगस्त 2004 को बने थे और 15 नवंबर 2007 को ख़त्म हो गए थे और इसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 3 years 2 months 18 days थी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है 18 पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और ये 25 मार्च 2008 को बन गए थे और 19 जून 2012 को ख़त्म हो गए थे और इसकी टोटल ड्यूरेशन थी 4 years 2 months 25 days थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, वे 19 नंबर पे हैं और 22 जून 2012 को बने थे और 24 मार्च 2013 को ख़त्म हो गए थे और उसकी टोटल ड्यूरेशन जो थी 9 months 2 days थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हैं 20 पे नवाज शरीफ साहब हैं और ये 5 जून 2013 को बने थे और 28 जून 2017 को ख़त्म हो गए थे और ये 4 year 1 month 23 days थी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे। इसके बाद 21 पे जो थे ये शाहिद फकान अब्बासी साहब थे और ये 1 अगस्त 2017 को बने थे और 31 मई 2018 को ख़त्म हो गए थे और इसकी टोटल ड्यूरेशन थी 10 months थी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थी। इसके बाद आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इमरान खान है और ये पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म हैं और ये 18 अगस्त 2018 को बने हैं और अभी तक ये हाजिर सर्विस हैं, यानी हमारे हाजिर वज़ीर आज़म हैं और ये इसके अभी तक तकरीबन 2 ईयर से अप हो चुके हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।